गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का वीडियो बहुत अलग है। आज का वीडियो एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि ये वीडियो बनाऊँ अबाउट व्हाट आर द स्ट्रगल्स बेसिकली विच पीपल डोंट सी व्हेन वी मेक वीडियोस। ऑब्वियसली एज अ क्रिएटर हर एक को ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। ओके, लेट मी प्लेस इट समवेयर। वी हैव एन आइडिया, वी वांट टू इंप्लीमेंट इट इनटू आवर वीडियो, एंड इफ यू आर एट होम यू डोंट हैव अ स्टूडियो सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड देन आप रिकॉर्ड करते हो, यू आर फोकस्ड ऑन मेकिंग योर वीडियो। तो होता है कि सारी कंडीशंस ठीक है, लाइक ओके द लाइटिंग इज परफेक्ट, द एनवायरनमेंट इज ओके, ज़्यादा कोई साउंड नहीं आ रहा है, कोई चिड़िया की आवाज़ नहीं आ रही है एंड ऑल, उस टाइम पे हो जाएगा ये कि आप बीच में कहीं स्टैमर कर जाओगे शायद, उसकी वजह से रीटेक फिर से करो। थिंग इज कि आप अगर वीडियोज़ बना रहे हो, यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन वॉट यू आर क्रिएटिंग, एंड दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बिकॉज हम इनिशियली बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं अबाउट कि वीडियो जो हम बना रहे हैं क्या वो सही रहेगा, क्या वो लोगों को पसंद आएगा, क्या ऐसा रहेगा, क्या वैसा रहेगा। मुझे पर्सनली बहुत हिंडर करती है व्हाइल आई क्रिएट वीडियोज़ कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर वीडियोज़ यू ऑलवेज थिंक कि नहीं, आपका बैकग्राउंड एकदम ऑप्टिमम रहना चाहिए, नो डिस्टर्बेंसेज शुड बी देयर। ओके, हम प्रिकॉशंस लेते हैं, बहुत बार होता है कि अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, मैं घर पे हूँ, ओके आई सेट अप माई कैमरा, रूम बंद कर दिया, पर्दे लगा दिए ताकि जितना नॉइज़ हो सके अवॉइड हो। बहुत आइडियल सिचुएशन हो जाती है ऐसी कि जब कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अनलेस यू हैव अ स्टूडियो, प्रोफेशनल स्टूडियो सॉर्ट ऑफ अ रूम, बट लाइक फॉर मी, जैसे मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो रूम है एंड वी आर रिकॉर्डिंग वीडियोज, बट फिर लाइक डिस्टर्बेंसेज ऐसे हो जाते हैं, थिंकिंग ओके हाँ हम वीडियो बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं, सब शांत है, सब बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, टीवी का साउंड कम है, चिड़िया नहीं आवाज कर रही, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेज कुछ भी नहीं है, एंड द मोमेंट आई प्रेस द रिकॉर्ड बटन, यहाँ से एक आदमी बुलेट लेके जा रहा है, यहाँ से किचन में यूटेंसिल्स गिर रहे हैं, टीवी का साउंड सडनली बढ़ गया, कोई चिल्ला रहा है घर पे, ऐसा होता ही रहता है। एंड तब ऐसा हो जाता है कि शुड आई फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द वीडियो और द कंटेंट ऑफ माई वीडियो। लाइक जब आप वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास लाइक एक बैकग्राउंड सपोर्ट होना चाहिए जो आपको बताए, यू नीड टू हैव गुड क्रिटिक्स विद यू, जो आपको समझाए कि आपके वीडियो में क्या सही नहीं था। उस चीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल रहता है, तब जो वीडियोज़ है उनकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट होती है, बिकॉज व्हेन नेक्स्ट टाइम यू आर क्रिएटिंग योर वीडियोज़, आपके दिमाग में वो थॉट स्ट्राइक करेगा कि प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ नहीं थी। बट बहुत बार होता है ये है कि नहीं उस व्यूअर ने बताया कि नहीं ऐसा है, किसी दूसरे ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, तब एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है कि क्या करना चाहिए, शैल आई डू दिस, शैल आई डू दैट। व्हाट आई थिंक, जो मैं करता हूँ पर्सनली, इज दैट ओके, टेक द रिव्यूज़ अंडर कंसिडरेशन, खुद से चेक करो एंड फिर उसके बाद वर्क अपॉन इट। जो वीडियो का जो क्वालिटी है उसके ऊपर मैं बहुत फोकस देने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज किसी इंसान को अगर देखे तो, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है या फिर बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसी तरह क्वालिटी ऑफ वीडियो भी लाइक बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है व्यूअर को। लाइक जब मैं अपने वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, मैं उसको तीन जगह चेक करता हूँ, लाइक फ़ोन पे, लैपटॉप एंड ऑन माई टीवी। तो ये करने के बाद लाइक मुझे लगता है कि नहीं, द वीडियो इज़ ओके, इट्स गुड टू गो, एंड तब जाके मैं अपलोड करता हूँ। अपने तरफ से अपनी मेहनत पूरी रखो, जो लोगों को अच्छा लगेगा, जो लोगों को बुरा लगेगा, वो लोग आपको बताएंगे, एंड यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन इट, धीरे 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 करके तो इम्प्रूवमेंट होता है, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट एट द फर्स्ट प्लेस। एंड एक इशू है जो बहुत ज़्यादा हिंडर करता है इन मेकिंग वीडियोज़, इज लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे व्हेन यू आर क्रिएटिंग वीडियोज़, वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, इनिशियली हो जाती है, फेड अवे हो जाती है वो चीज़, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल फॉर यू बट इट्स नॉट नॉर्मल फॉर पीपल, बट आप करते रहो वो लोगों के लिए भी नॉर्मल हो ही जाएगा। ऐसा लगा बहुत सारा ज्ञान दिया यार मैंने, यार टीचर वाली फीलिंग आ रही है।